कि वर्कर के ऊपर नेताजी ने यही आके मेरे सर पे हाथ रखा। लोगों ने मना किया कि मत जाओ उनके पास, वो आरोपी है बहुत बड़े केस का। नेताजी ने कहा मैं जानता हूँ ये झूठ है, और नेताजी ने कहा वासिम तुम काम करो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। बहुत अखबारों में नेताजी के खिलाफ बहुत छपा, लेकिन नेताजी बिल्कुल पहाड़ की तरह से खड़े हो उसका मुकाबला किया। सब नहीं आज हमने अपना बराबर खो दिया। आज बुनियादी जैसा नेता न पैदा हुआ न पैदा होगा, गरीब किसान नौजवान ने अपने मसीहा को खो दिया है। हम अपने श्रद्धा सुमन अपने नेता को समर्पित करते हैं। हम जैसे तमाम नौजवानों को विधानसभा पहुंचाया, मंत्री बनाया, और संघर्ष के दिनों में मुलायम सिंह ने हमेशा हौसला बढ़ाने का काम किया। वो नेता मुलायम सिंह है। मैं सन 1980 में कानपुर विश्वविद्यालय की डीबी कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया था। भाई लालजी वर्मा जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे, छात्र नेता थे। हम सबको छात्र नेताओं को माननीय मुलायम सिंह यादव जी अपने साथ जोड़े, हम सबको शिक्षा दिया, प्रेरणा दिया, समाजवादी विचारधारा को बताया, गरीबों की मदद करने के लिए उन्होंने प्रेरणा दिया। और सबसे बड़ी बात थी कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की याददाश्त बहुत मजबूत थी। कभी किसी से एक दो बार मिल भी लेते थे तो उसको नाम लेके पुकारते थे, और वो कहते थे जब भी कभी कोई आंदोलन होता था तो नौजवानों को यही समझाते थे कि आप डॉक्टर लोहिया का वो सिद्धांत कि हम मारेंगे भी नहीं मानेंगे भी नहीं। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के दो शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। मुलायम सिंह यादव जी एक सुचारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे पढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे। देश और प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन एक लंबे समय तक उन्होंने किया। मुलायम सिंह जी के सत्ता और विपक्ष में रहने के दौरान एक अवसर के रूप में उनके साथ कार्य करने के अपने अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अप्रतिम आस्था रखने और अपने कार्यकर्ताओं के में निरंतर संघर्षरत रहने की भावना उत्पन्न करने वाले एक अद्भुत नेता थे। मुलायम सिंह यादव जी के इंतकाल की जैसे ही हमें खबर मिली, बेइंतहा अफसोस हुआ और बेइंतहा दुख हुआ। मुलायम सिंह यादव जी बेहतरीन शख्सियत के मालिक थे, और उन्होंने हमेशा ईमानदारी के साथ में गरीबों, बेरोजगारों और अनपढ़ लोगों के साथ में, किसानों के साथ में हमेशा खड़े रहे। आज उनके जाने से जो उत्तर प्रदेश और पूरे मुल्क की एक नुकसान हुआ, एक क्षति हुई है, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कभी अपने आदर्शों से समझौता नहीं करते। नेताजी उन्हीं में से एक थे।
बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने उनसे, प्रेरणा थे वो बहुत लोगों के लिए। हम लोग, हमारे तो व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके पूरे परिवार को इस क्षति को सहने का संबल दे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री, दिग्गज राजनेता श्री मुलायम सिंह यादव जी का लंबी बीमारी के बाद दुखद निधन हो गया है। वो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश विधानसभा, विधान परिषद, फिर लोकसभा के सदस्य रहे हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी दलित सीमाओं से ऊपर उठ करके सभी राजनीतिक दलों के लगभग वरिष्ठ नेताओं से उनके अच्छे संबंध रहे हैं। उनका निधन उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। अपने कार्यकाल में बोल्ड और सक्षम निर्णय लेने वाले, उनकी पहचान थी। ऐसे व्यक्ति का जाना उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, देश की राजनीति के लिए एक दुखद अध्याय है। मैं उनको श्रद्धांजलि करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। समाजवादी पार्टी के संरक्षक, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री, भारत सरकार आदरणीय मुलायम सिंह जी के निधन की सूचना से स्तब्ध हूँ और बहुत बड़ा दुख महसूस कर रहा हूँ। एक राजनीतिक यात्रा उनकी अगर देखी जाए तो धरातल से उठकर के राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी की अपनी पहचान कराना, स्वयं की पहचान कराना, सभी दलों के नेता उनका सम्मान करते थे और वो खुद स्वयं सभी नेताओं के साथ अच्छे मधुर संबंध रखते थे, किसानों के, मजदूरों के, व्यापारियों के, सभी को साथ लेकर के चलने वाले थे वो। ऐसे मुलायम सिंह जी का निधन एक राजनीतिक क्षति, बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्ण क्षति है।